नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अप्रैल गुरुवार शाम 4:15 बजे जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी गुरुवार सुबह जोधपुर दौरे पर आए। उनका यहां सर्किट हाउस में शहर विधायक मनीषा पवार व अन्य कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। कई लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे। बुधवार की रात बीकानेर के वल्लभ गार्डन क्षेत्र में यह साबित हो गया। यहां 6 बदमाशों ने मिलकर बड़ी मेहनत से 2 ज्वेलर्स की दुकानों के शटर तोड़े, लेकिन अंदर कुछ खास नहीं मिला। दरअसल दुकान संचालक रोज रात को कीमती आभूषण व सामान घर ले जाते हैं। जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि क्षेत्र के सभी दुकानदारों को कुछ दिन पहले ही हिदायत दी थी कि वो कीमती सामान दुकान में न रखे, इसी कारण चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित तनावड़ा में आदर्श विवेक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में गुरुवार अलसुबह भीषण आग लग गई। बासनी शास्त्री नगर और नागौरी गेट अग्निशमन केंद्रों से पहुंची करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने कई फेरों के बाद 4 घंटे में आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में गुरुवार से 45 साल से 59 साल तक की उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों सीएचसी पीएचसी में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जयपुर जिले में 300 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जिनमें से जयपुर शहर में 180 हैं। शहर के ज्यादातर अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जोधपुर में सर्वर की दिक्कत के कारण टीका लगवाने वालों को कुछ परेशान होना पड़ा है। जोधपुर शहर में महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर के सुखानंद के बगेजी क्षेत्र में दिन दहाड़े कुछ युवक क्षेत्र की महिलाओं व युवतियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। ऐसी ही एक घटना 2 दिन पूर्व होने पर क्षेत्र के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छेड़छाड़ करने वाले बकरा मंडी निवासी आदिल को हिरासत में ले लिया। बीकानेर का डूंगर कॉलेज प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज बन गया है जिसने नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसलिंग में लगातार 3री बार ए ग्रेड हासिल की है। इस कॉलेज को 2015 और 2009 में भी ए ग्रेड मिली थी। डूंगर कॉलेज को छोड़ प्रदेश में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसे लगातार 3 बार ए ग्रेड हासिल हुआ है। कोरोना संक्रमितों के मामले में मार्च महीना जनवरी फरवरी से भारी पड़ा है। जोधपुर में कोरोना के जनवरी माह में 962 और फरवरी माह में 373 रोगी सामने आए थे, जबकि मार्च में संक्रमितों का आंकड़ा 505 चला गया। जोधपुर में मार्च माह के 31 दिन में 1505 संक्रमित मिले हैं और 12 की मौत हुई है। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI का 3 सदस्यीय दल बुधवार सुबह बीकानेर पहुंच गया। नगर निगम में उपायुक्त से मुलाकात के बाद तीनों सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे के लिए निकल गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की रैंकिंग इसी दल की रिपोर्ट पर तय होगी। काउंसलिंग के प्रतिनिधियों को सुबह लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आई तो वे निगम पहुंचे। उपायुक्त पंकज शर्मा और AEN ओम प्रकाश चौधरी से मिले सदस्यों ने बताया कि तीनों अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे करेंगे। जोधपुर कमिश्नरेट और जिला ग्रामीण पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के लिए शारीरिक दक्षता व मापतोल परीक्षा 8 अप्रैल को सुबह 5 बजे मंडोर स्थित राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में होगी। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व यातायात राजेश कुमार मीणा ने बताया कि सफल अभ्यर्थी पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे प्रभाव के मद्देनजर अब प्रशासन ने भी सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। बुधवार को बीकानेर नगर निगम दल ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना के तहत पंचशती सर्किल क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठान में कार्यवाही कर प्रतिष्ठान में सामान की बिक्री कर रहे और ग्राहकों के मास्क नहीं लगा होने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर कार्यवाही की और अस्थायी रूप से प्रतिष्ठान को सील कर दिया। भारतीय दलित साहित्य अकादमी एवं भारतीय जादूकला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योगिता खींची को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा टास्क फोर्स का सदस्य बनाने पर स्वागत किया गया। महावीर इंटरनेशनल ब्लू सिटी द्वारा जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 16 स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोहे की 3 अलमारी भेंट की गई। सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में महानिरीक्षक मदन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौड़ एवं समस्त अधिकारियों व अन्य कार्मिकों ने भाग लिया।
365 डेज एनिमल लवर ग्रुप की ओर से आंगनवा स्थित मानसिक विमंदिर गृह परिसर में होली स्नेह मिलन व फागोत्सव मनाया गया। इसमें भक्तिमय भजनों के साथ मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर विमंदित बच्चों के साथ पुष्प होली खेलकर नृत्य कर वे चॉकलेट मिठाई बांटकर स्नेह मिलन व फागोत्सव मनाया गया। हाल ही में घोषित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परीक्षा परिणाम के बाद सीए बने शहर के छात्र छात्राओं का दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जोधपुर ब्रांच और सिकासा जोधपुर की ओर से सम्मान किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।